ओम शांति। आज 14 तारीख है। मीठी प्यारी बाबा की साकार मुरली के 10 मुख्य पॉइंट सुनते हैं। तो बाबा ने पहला पॉइंट समझाया, बाबा कहते बच्ची तुम्हारे अंदर कोई भूत नहीं रहना चाहिए। और पहले नंबर का भूत है देह अहंकार। तो इसलिए तुमको देही अभिमानी बनना है। इसके लिए क्या करना होगा, रोज पढ़ाई पढ़नी है, पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है, और स्कॉलरशिप लेने का पूरा पुरुषार्थ करना है। बाबा कह रहे हैं जी कि जो बच्चे समझू सयाने होशियार होते हैं वो कभी पढ़ाई नहीं छोड़ते हैं, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं, क्योंकि माया बिल्ली भी कम नहीं है ना, वो बुरी नजर रखती है बाबा के बच्चों पर। लेकिन कभी कभी कई पढ़ाई छोड़ देते हैं, सेंटर पर नहीं आते हैं, तो दैवी गुण कैसे धारण होंगे। फिर उनको आंखें भी धोखा देती है, कोई चीज देखी अच्छी लगी तो खा लेंगे, तो बस स्थिति भी वैसे गिर जाएगी, तो क्या बन जाते, असुर बन जाते हैं फिर से। तो इसलिए बाबा ने कहा पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है और देह मान में भी नहीं आना है, तभी अच्छी तरह से दैवी गुण धारण कर पाएंगे। और दूसरा पॉइंट है, बाबा ने कहा कि जो ब्राह्मण बच्चे होंगे, लायक ब्राह्मण, उनकी जो क्वालिटी होंगी बड़ी विशेष होंगी। तो सभी अपने आप में चेक करते जाएंगे क्योंकि सभी विशेष है ना। तो पहली क्वालिटी क्या होंगी अच्छे ब्राह्मण की, बाबा ने कहा कि जो लायक ब्राह्मण होगा उनके मुख से गीता का ज्ञान, जो बाबा ने ज्ञान दिया है वही ज्ञान निकलेगा, क्योंकि वो कंठ हो गया है ना, बुद्धि में एकदम जैसे कि फीड हो गया है, तो मुख से वही निकलेगा। और दूसरी निशानी लायक ब्राह्मण की, औरों को भी आप समान बनाएगा। और तीसरी निशानी ज्ञान धन का दान पुण्य करेगा, बाबा कहती ये दान सबसे बड़ा दान है। और चौथी बात, वो कभी आपस में मतभेद में नहीं आएंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, परमत में नहीं आएंगे। और पांचवा पॉइंट, किसी भी देहधारी में अपनी बुद्धि को वो नहीं लटकाएंगे। और छठी बात, ब्राह्मण अर्थात जिसमें भूत ना हो, देहंकार का बिल्कुल देही अभिमानी बनने का पूरा जो पुरुषार्थ करे सो कहलाएंगे सच्चे ब्राह्मण। तीसरा पॉइंट है, बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, तो अच्छी तरह से पढ़ना है और गफलत बिल्कुल नहीं करनी है, और किसी की उल्टी सुलटी बातों में बिल्कुल नहीं आना है। कई बार बाबा कहते क्या होता है, बच्चे एक दो की बातें सुन लेते हैं तो ट्रेटर बन जाते हैं, फिर परमत पे चलते हैं, मनमत पे चलते हैं और श्रीमत को भूल जाते हैं। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, उनसे पढ़ाई ही छूट जाती है और फिर बाप को छोड़ करके माया के बन जाते हैं और संपूर्ण दुर्भाग्यशाली बन जाते हैं। चौथा पॉइंट है, बाबा कहते कि बच्चे नंबरवार तो होते ही हैं, है ना, बाबा इतना मीठा पढ़ाते हैं, सबको एक जैसा पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चों में नंबरवार होते हैं, जैसे दुनिया में ही बच्चे नंबरवार होते हैं, है ना। तो जो अच्छा स्टूडेंट होगा वो कभी शादियों के लिए छुट्टी ले नहीं लेगा पढ़ाई से, है ना, पूरा पढ़ाई पे अटेंशन देगा, इधर उधर कहीं भी नहीं जाएगा। यहाँ पर भी बाबा के ऐसे बच्चे हैं, जो अव्वल नंबर है वो ब्रह्मा बाबा है, कभी पढ़ाई मिस नहीं करते, बच्चों में सभी नंबरवार है। तो तुम बच्चों को ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है और शिव बाबा से पूरा पूरा पढ़ना है, सौदा तो शिव बाबा से मिलना है। बाकी बाबा ने फिर बुद्धि में एक बार और अंडरलाइन कराया कि किसी की उल्टी सुलटी बातें नहीं सुननी है और किसी को उल्टी सुलटी बातें सुनाकर उसका मुख बाबा से नहीं मोड़ देना है। कई बार क्या होता है, हमारे मुख से ऐसे मजाक मजाक में ही सहज ही सहज हम किसी की कमी को सबके सामने बोलते हैं, सुनाते हैं, है ना, तो दूसरे पर भारी पड़ जाती है, वो उसको किसी और रीति से ले लेगा और उसका पुरुषार्थ वहां रुक जाएगा, हो सकता है उसका हाथ बाबा से छूट जाए। तो कभी भी किसी की कमी को हमने आपस में वर्णन नहीं करना है, ना एक दो की बुद्धि हमने अपने शब्दों से खराब करनी है। अगर कुछ बात आप नोटिस में आ रही है आपके, तो आप बड़ों को बता दो और खुद निश्चिंत हो जाओ, ठीक है। और पांचवा पॉइंट है, बाबा कहते अभी मैंने ईश्वरीय बैंक खोली है, शिव बाबा का बैंक है। बाबा कहते समझो कोई बाहर में सत्संग शुरू करते हैं, कहते हमें शिव बाबा की
बैंक में जमा करना है तो कैसे करेंगे, है ना। तो बच्चे जो आते हैं शिव बाबा की भंडारी में डालते हैं, तो एक पैसा भी अगर भंडारी में डालते हैं तो 100 गुना करके उसको बाबा देते हैं, 1 रुपए का 100 गुना करके देते हैं। तो बाबा कहते तुमको इनके बदले में महल मिल जाएंगे, सुदामा का जो मिसाल है तुम्हारा यादगार है ना। तो ये सारी दुनिया तो खत्म हो जानी, जो तुम्हारे पास पैसा भी पड़ा वो भी खत्म हो जाना है। तो इसलिए जितना हो सके उसको सफल करो, और फिर शिव बाबा तुम्हारी परवरिश भी करेंगे, है ना। बाबा का दिया ही हम खा रहे हैं हमेशा ये सोचना है, अगर घर में भी खुद कमा कर खाते हैं तो भी ये सोचना है कि बाबा का दिया हुआ ही हम खा रहे हैं, तो फिर उसमें भी घर में बरकत होती रहेगी। और छठा पॉइंट है, बाबा कहते बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बाबा का बनना चाहते हैं, हम बाबा का बन जाएं, बाबा के घर में रहें। तो बाबा ने कहा लेकिन उसके लिए लायक भी चाहिए ना, तंदुरुस्ती भी चाहिए, ऑलराउंडर सेवा करने वाला भी चाहिए, ज्ञान देने वाला भी चाहिए। बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं, किसी गवर्नमेंट भी जब किसी को सेना में भर्ती करती है तो क्या करती है, उसकी जांच करती है पूरी बॉडी की। तो यहाँ पर भी सब कुछ देखा जाता है सर्विस के लायक है। तो बाबा कहते कई बार कोई ऐसे ही आ जाते हैं तो कारणे अकारणे फिर पढ़ाई छोड़ के चले जाते हैं, है ना। तो तुमको बहुत पढ़ाई का शौक होना चाहिए, लाचारी हालत में ऐसे ही बाबा की बन गए तो उसका कोई फायदा नहीं है, है ना। अच्छे से पढ़ाई को पढ़ना है, बाबा को समझना है, और हम सेवा लायक हैं तो ही हम बाबा की सेवा में आ सकते हैं। और सातवां पॉइंट है, बाबा कहते देखो तुमको अच्छी तरह से ज्ञान स्वयं समझना है, 7 रोज में ही तुम टीचर बन सकते हो, है ना। तो औरों को सुनाने लायक बन सकते हो, ब्राह्मण ब्राह्मणी माना जिनके मुख पर गीता ज्ञान कंठ हो गया हो। लेकिन नंबर वार तो होते ही हैं, बाबा कह रहे हैं, लेकिन पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना चाहिए, अटेंशन नहीं देंगे तो औरों को नहीं सुना सकते। तो इसलिए 7 रोज के अंदर ही टीचर बनने लायक जो है पढ़ाई पढ़नी चाहिए, और फिर जाके सर्विस का सबूत देना चाहिए। तो बाबा कहते कई बच्चे सेवा भी बहुत अच्छी करते हैं, है ना, लेकिन जो करेगा सो पाएगा। तो सेवा में जब जाते हैं तो कई मतभेद में आ जाते हैं, और कई एक दो के साथ उनकी बुद्धि लटक जाती है, तो ऐसा भी ध्यान रखना है विशेष। और नेक्स्ट पॉइंट है, आठवां पॉइंट है, बाबा कह रहे बच्चे तुम्हें 8 घंटा धंधा करना है और 8 घंटा रेस्ट करनी है और 8 घंटा ईश्वर या गवर्नमेंट की सेवा करनी है। तो बाबा कहते वैसे मेरी सेवा नहीं है, सारे विश्व की सेवा है, तुम इसके लिए तो टाइम निकालो, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना। तो कई तो बाबा कह रहे हैं 1,000 2,000 या 5,000 के पीछे गवर्नमेंट की सर्विस करते रहते हैं, और यदि तुम ये सर्विस करो तो तुम तो पद्मा पद्म सौभाग्यशाली बन जाएंगे। तो अपने दिल में देखना है कितना याद करते हैं, कितना सेवा करते हैं, और कितना हम टाइम वेस्ट करते हैं। बाबा कहते अपने अंदर में जांच करो। और नौवां पॉइंट है, रूहानी अथॉरिटी में रहना है और साथ साथ निरंकारी भी रहना है। ऐसा नहीं अथॉरिटी में रहे अहंकार आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो बाबा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे वृक्ष होता है जिसको फल लग जाते हैं वो झुक जाता है, तो वैसे ही जो आत्मा रूहानी अथॉरिटी में रहेगी तो सेवा भी झुक करके निर्माण भाव से करेगी। लेकिन जो आत्माएं अल्पकाल की अथॉरिटी वाली होती हैं, अहंकार में आ जाती हैं, क्योंकि सत्यता की अथॉरिटी उनकी नहीं होती है, लेकिन जो बाबा के रूहानी अथॉरिटी वाले बच्चे हैं वो निरंकारी होंगे, तो बहुत निरंकारी पन से हर कार्य करेंगे, तो यही सत्य ज्ञान की प्रत्यक्षता है। और जो सच्चे सेवाधारी की वृत्ति होंगी, है ना, तो वृत्ति में जितनी अथॉरिटी होगी उतनी उसकी वाणी में ना नम्रता और स्नेह समाया हुआ होगा। 10वां पॉइंट है कि भाग्य का आधार त्याग है ना। त्याग, जितना जितना हमने त्याग किया है अंदर से, कोई भी त्याग है, तन का त्याग, मन का त्याग, धन का त्याग, देहाभिमान का त्याग, बुद्धि का त्याग, संकल्पों का त्याग, है ना, ये सारे त्याग हैं, संस्कारों का त्याग, स्वभाव का त्याग, तो ये सब त्याग, जितना जितना हम त्याग करते जाते हैं
उतना आत्मा चमकती जाती है, उसका भाग्य उज्जवल होता जाता है। लेकिन बिना त्याग के भाग्य नहीं मिलता है, इसलिए पहले त्याग फिर भाग्य। ओम शांति।